महिलाओं को शक्ति हर महीने 2000 रुपए देने का हम वायदा कर रहे हैं। 500 रुपए गैस सिलेंडर के लिए हम देंगे। विधवा पेंशन को 6000 रुपए और ओपीसी जो भी स्कीम है, जो भी योजना है उसके तहत मिलेगा। भर्ती विधान के तहत 2 लाख पक्की नौकरी युवाओं को हम देंगे। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि हमारे 7 पॉइंट जो है, वायदे जो है, इसको हम खासकर 7 वर्ग में इसका बंटवारा किया है। एक तो महिलाओं को शक्ति हर महीने 2000 रुपए देने का हम वायदा कर रहे हैं और 2000 रुपए देकर हम रहेंगे हमारी सरकार आने के बाद। 500 रुपए गैस सिलेंडर के लिए हम देंगे और मोदी जी की सरकार बढ़ाते जाती है लेकिन हम उसको घटाते जाएंगे। दूसरा है सामाजिक सुरक्षा को बल, जैसा कि बुढ़ापा पेंशन है, दिव्यांग पेंशन है, विधवा पेंशन है और ओल्ड पेंशन स्कीम, ये इसको हम पूरा अनुष्ठान में लाएंगे, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और जिसका आंकड़े उन्होंने बताया कि बुढ़ापा पेंशन 6000 रुपए और दिव्यांग को 6000 रुपए, विधवा पेंशन को 6000 रुपए और ओपीसी जो भी स्कीम है, जो भी योजना है उसके तहत मिलेगा। और तीसरा वायदा है युवाओं को सुरक्षित भविष्य। भर्ती विधान के तहत 2 लाख पक्की नौकरी युवाओं को हम देंगे क्योंकि इतने सरकारी नौकरियां खाली है, वो कोई सरकार भर्ती नहीं कर रही। देश में हमने पहले, इससे पहले भी कहा कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट में कम से कम 30-35 लाख वैकेंसीज है, सेंट्रल गवर्नमेंट भर रही नहीं। और हर स्टेट में जितने सरकारी नौकरीज हैं वो भर्ती इसलिए नहीं कर रहे हैं कि केंद्र सरकार के पास तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है। और ये जो युवाओं को हम ये नौकरी का वायदा कर रहे हैं इसको हम निभाएंगे। हर परिवार को खुशहाली के तरफ जाने के लिए 300 यूनिट की फ्री बिजली, ठीक है ना, 300 यूनिट की फ्री बिजली और 25 लाख तक मुफ्त इलाज, जैसा कि पहले हमारे भाई गहलोत ने राज्यसभा में, सॉरी राजस्थान में शुरू किया था, वैसा आज फिर हम हरियाणा में यही लागू करेंगे। तो ये दोनों भी जो फ्री बिजली और मुफ्त इलाज, ये बहुत ही पक्का है और गरीबों को इससे बहुत फायदा होगा, किसानों को भी फायदा होगा। और हमारा पांचवा जो है, गरीबों को छत, 100 गज का प्लॉट और 3.5 लाख की लागत से दो कमरों का मकान। तो ये देखिए जरा, ये कम होता है क्योंकि दो में क्या करना, उसके लिए बाद में सोचिए, क्योंकि पकाना किधर, सोना किधर, कम से कम एक किचन तो अगर रहा तो उसको ऐड कर दीजिए। किचन तो होगा, हाँ, तो ना फिर ठीक है, लेकिन देखिए मैं अब तो फिर वायदा नहीं करता क्योंकि आप अपने बजट को देखकर ये वायदे किए हैं,
तो इसीलिए जब आपकी हालत सुधरेगी तो उस पर विचार कीजिए। फिर किसानों को समृद्धि, ये तो आप सभी को मालूम है, हम भी लड़ रहे हैं, राहुल गांधी जी भी एमएसपी के लिए बहुत लड़े, अभी भी लड़ रहे हैं। उसके अलावा एमएसपी की जो कानूनी गारंटी है उसके लिए हम पार्लियामेंट में इलेक्शन में भी ये वायदा किया था, हमारे हरियाणा कांग्रेस कमेटी के आज के नेता लोग भी इस हरियाणा कांग्रेस का संकल्प पत्र में भी ये लिखा गया है, तो इस एमएसपी गारंटी का भी वो काम करेंगे। आखिरी में पिछड़ों को अधिकार, जातिगत सर्वे का, जातिगत जनगणना करने का बात हम ये पार्लियामेंट में भी उठाए थे और पार्लियामेंट के चुनाव में भी हमने इसका प्रचार किया। उसी ढंग से यहाँ पर जो हमारे हरियाणा में इसको जाति जनगणना की पूरी उन्होंने कोशिश करके वो जाति जनगणना इसलिए करेंगे कि हर कम्युनिटी के लोगों को, हर जाति के लोगों को वो कहाँ खड़े हैं, वेलफेयर स्कीम में उनका कहाँ स्थान है, चाहे इनकम में क्या है और शिक्षण में क्या है, नौकरियों में क्या है, ये हर चीज अगर आपको मालूम होना है तो ये जातीय जनगणना जरूरी है। इसीलिए वो काम हमारे हरियाणा की कांग्रेस पार्टी कर रही है और ये वायदा उन्होंने किया है और इसको हम अमल में लाएंगे।